नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, लहसुन के अंदर तीखा गंध पाया जाता है और इनके तीखा गंध के कारण ही नकारात्मक शक्ति इनके पास में नहीं आ पाती। लहसुन को तंत्र शास्त्रों में कल्याणकारी बताया जाता है। लहसुन की माला आज भी गांव में नजर दोष से बचने के लिए छोटे बच्चे को पहनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं लहसुन की गुप्त चमत्कारी प्रयोग। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम जो जानकारी बताते हैं ये प्राचीन ग्रंथ के आधार पर बताते हैं, कुछ हम खुद का नॉलेज से बताते हैं और हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हमारे चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान भी इस वजह से हमने रखे हैं। प्राचीन ज्ञान की अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को हम सिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छे अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। देखिए मित्रों, कौन आदमी किस विचार से आ रहे हैं ये तो हमें पता नहीं चलता। गलत विचार से आने पर घर में उसके साथ में निगेटिव चीज आती है। इससे बचने के लिए लहसुन की माला घर के मुख्य द्वार पर जरूर बांधना चाहिए। ये क्या करता है, नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर में प्रवेश कर लेता है, अपने अंदर में सोख लेता है और घर में प्रवेश नहीं करने देता। अगर घर में नकारात्मक चीज, नकारात्मक सोच लेकर के जो भी व्यक्ति आ रहे हो घर में प्रवेश कर जाए तो धीरे धीरे घर में कंगाली आने लगती है, कुलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे हमारे अन्न धन में काफी नुकसान होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर कुलक्ष्मी से बचना चाहते तो धन पेटी के चारों तरफ सप्ताह में या 15 दिनों में 4 लहसुन अवश्य 4 दिशा में रख देना चाहिए। धन पेटी के चारों तरफ यानी कि 4 दिशा में लहसुन अवश्य रख देना चाहिए। लहसुन के प्रभाव के कारण कुलक्ष्मी धन पेटी में प्रवेश नहीं कर पाते, फिर आपके घर हमेशा जो है अन्न धन से भरे रहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, पैरदान के नीचे में लहसुन हमेशा दबा करके रखना चाहिए। देखिए, घर के कोई भी सदस्य बाहर से घूम करके आते हैं, अगर उसके साथ निगेटिव चीज आ गए हैं और पैरदान पर जैसे वह पैर रखते हैं तो लहसुन जो है पैरदान के नीचे में रखने के कारण लहसुन जो है निगेटिव चीज को अपने अंदर में सोख लेता है, खींच लेता है। तो इसे क्या होता है, घर में निगेटिव चीज से भी आपकी बचाव होता है, उस व्यक्ति की बचाव होता है। इसके बाद आपने तकिया के नीचे में लहसुन अवश्य रखना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है हमें काफी बुरे सपने आते हैं निगेटिव चीज के कारण, तंत्र विकार लगने के कारण हमारे मन काफी खिन्न रहता है। ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे मस्तक को जकड़ के रखा है। कभी कभी हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी शनि, राहु, केतु जैसे जो भी नवग्रह के दोष हैं, किसी भी देवी देवताओं के दोष लगे तो लहसुन अगर तकिए के नीचे रख करके सोते हैं तो ये रोगों से भी हमें बचाता है, दोषों से भी बचाता है। राहु केतु जितने भी औपचारिक जो ग्रह हैं, जो पापी ग्रह, इसे भी हमारे बचाव करता है। इसके बाद लहसुन अपने पर्स में अवश्य रखना चाहिए। इसका बेनिफिट बताता हूँ, कहीं भी आप घूमने के लिए जाते हैं, चाहे आप रोजगार के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर निकलते हैं तो लहसुन अपने पर्स में रखने का गजब का बेनिफिट बता रहा हूँ, फायदा बता रहा हूँ। ये निगेटिव चीज को अपने अंदर में सोख लेता है और आपके पास आने ही नहीं देता। जब निगेटिव चीज, बुरे चीज आपके पास में नहीं आ पाएंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव महसूस करेंगे, अच्छे महसूस करेंगे और जहां भी आप जाएंगे वहां आपको निश्चित रूप से तरक्की मिलेंगे। लहसुन अपने पास में रखने से कोई भी विद्यार्थी अगर अपने पास में लहसुन रखते हैं तो पढ़ने लिखने में भी मन अच्छा लगता है। जो लोग जॉब करते हैं लहसुन अपने पर्स में अपने जेब में रखते हैं तो हमेशा उनके मन जो शांत रहता है, मन अच्छा रहता है। निगेटिव चीज क्योंकि आपके अंदर में प्रवेश नहीं कर पा रहे, इसलिए आप अच्छा स्वस्थ रहेंगे, एकदम से आपको ताजगी लगेंगे और मां लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। मां लक्ष्मी उन्हीं के ऊपर कृपा बरसाती हैं जो कि निगेटिविटी से दूर रहते हैं, क्योंकि आप भी पानी पीते तो साफ पानी पीते, ठीक उसी प्रकार माता लक्ष्मी भी साफ शरीर वाले को देखते हैं। तो ये थे लहसुन के गजब के फायदे। मेरे बताने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि लहसुन हमारे जीवन में कितना उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो छोटे से जानकारी आपके जीवन में बिल्कुल ही हेल्पफुल साबित होंगे, आशा करता हूँ छोटे से जानकारी जरूर पसंद आया होगा। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।